Hey guys, thanks for tuning with my channel. मैं हूँ निधि और आप देख रहे हैं ग्लैम विद निधि। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी शॉर्ट जैकेट्स, जिनको कि मैंने क्रिएट किया है अपने पुराने दुपट्टों से, पुरानी साड़ियों से और अपनी पुरानी कुर्ती से। तो वीडियो में आपको आइडिया मिलेगा कि आप किस किस तरह के गारमेंट्स को रीयूज़ करके अपनी शॉर्ट जैकेट्स तैयार कर सकती हैं। डेफिनेटली आपको कोई ना कोई आइडिया ज़रूर पसंद आएगा, तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो याद से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं पहली बार तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए। विदाउट एनी फर्दर अडियूज लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट जो मैंने जैकेट तैयार की है वो मैंने तैयार की है अपने पुराने दुपट्टे से। तो मेरे पास ये कुछ इस टाइप का दुपट्टा था, जिसमें कि इस तरह का स्काई ब्लू एंड वाइट का कॉम्बिनेशन दिया था। एंड ये कुछ कोटा टाइप का मेरे पास फैब्रिक था इस दुपट्टे का। तो मैंने इसको बनाते हुए यूज़ की है लाइनिंग कॉटन की। एंड इसकी नेकलाइन मैंने बैक साइड से रखी है राउंड, एंड फ्रंट से मैंने इसको ऊपर से यहाँ से वी रखा है, देन उसके बाद मैंने इसको राउंड शेप दी है। एंड यहाँ मैंने इसको टाई करने के लिए यूज़ की है रेडीमेड डोरी, एंड उसके नीचे ये वाइट कलर की टैसल्स। बैक साइड से इस तरह की है ये शॉर्ट जैकेट, एंड मैंने इसको कट स्लिप्स में तैयार किया है। तो आप इजीली अपने दुपट्टे से इस तरह की शॉर्ट जैकेट्स बना सकती हैं, एंड काफ़ी प्यारा लुक देती हैं ये जैकेट। जिस दुपट्टे से मैंने इसको तैयार किया था उसकी विड्थ बहुत ज़्यादा नहीं थी, उसके बाद भी ये शॉर्ट जैकेट बनाने के बाद मेरे पास थोड़ा सा फैब्रिक बच गया था। तो इस तरह की शॉर्ट जैकेट अगर आप बनाना चाहें तो आपका कितना भी छोटे साइज़ का दुपट्टा हो, आप इजीली उससे इस तरह की जैकेट क्रिएट कर सकती हैं। नेक्स्ट जो मेरी जैकेट है उसको मैंने तैयार किया है साड़ी के पल्लू से। तो यूजुअली जो हमारी साड़ी के पल्लू होते हैं वो बहुत ही प्यारे प्रिंट के होते हैं, तो मैंने भी ये एक साड़ी के पल्लू को यूज़ करके जैकेट तैयार की है शॉर्ट। एंड इसका मैंने नेक रखा है पीछे से शॉर्ट एंड राउंड, एंड फ्रंट से इसको मैंने ऊपर से वी रखा है, एंड इसके बाद नीचे इसको बिल्कुल स्ट्रेट कट कर दिया है। डोरी मैंने इसमें भी यूज़ की है रेडीमेड, एंड ये बड़े वाले टैसल्स। बट ये टैसल्स थोड़े से हैवी हैं, मैं आपको सजेस्ट करूँगी अगर आप जैकेट्स बनाएं या फिर श्रग्स बनाएं तो उसमें थोड़े हैवी टैसल्स यूज़ ना करें, क्योंकि जब भी मैं इसको टाई करती हूँ तो यहाँ से इसकी नॉट बार बार हैवी वेट की वजह से खुल जाती है। इसी वजह से मैंने इसके बाद जो जैकेट अपनी तैयार की उसमें लाइट वेट वाले टैसल्स यूज़ किए थे। तो मैंने इसमें भी कॉटन की लाइनिंग का यूज़ किया है, एंड बैक साइड से इसका कुछ इस तरह का प्रिंट है। ये मैंने ज्वाइंट नहीं किया हुआ, इस पल्लू का प्रिंट ही कुछ इस टाइप का था, तो मैंने इसको इस तरह से यूज़ किया है। एंड अगर आप साड़ी के पल्लू से जैकेट तैयार करें तो आप उसकी स्लीव्स भी बना सकती हैं, बट स्लीव्स आपकी सिर्फ शॉर्ट निकल पाएंगी, या फिर आपके पल्लू की विड्थ बहुत ज़्यादा हो तब आप मे बी 3/4 स्लीव्स उससे क्रिएट कर पाएंगी। तो इस तरह की जैकेट आप तैयार कर सकती हैं साड़ी के पल्लू से, एंड इजीली आप इनको वेस्टर्न वियर्स एंड एथनिक वियर्स दोनों के साथ मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेरी जैकेट है उसको मैंने तैयार किया है अपनी पुरानी कुर्ती को यूज़ करके। तो मैंने कुर्ती के जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको कम्प्लीटली कट कर लिया, एंड उसको इस तरह से कन्वर्ट कर दिया एक शॉर्ट जैकेट में। तो इसकी नेकलाइन, मेरे पास जो ये कुर्ती थी इसकी नेकलाइन बैन नेक थी, तो मैंने उसको कट करके पीछे से राउंड कर दिया, एंड फ्रंट पर इस तरह से शॉर्ट नेकलाइन राउंड रखी है, एंड देन उसके बाद स्ट्रेट इसको स्लिट कर दिया। तो इस तरह से मेरी एक शॉर्ट जैकेट बन गई। मैं चाहती तो इसमें स्लीव्स भी अटैच कर सकती थी उसी कुर्ती की, बट मुझे इसको भी कट स्लीव्स में ही तैयार करना था इसलिए मैंने इसमें स्लीव्स अटैच नहीं की। अदरवाइज़ आप कुर्ती की अगर इस तरह की शॉर्ट जैकेट बनाएं तो आपकी कुर्ती की जैसी भी स्लीव्स हों आप उसको ईजिली इसमें अटैच कर सकती हैं, एंड अपनी स्लीव्स भी क्रिएट कर सकती हैं। तो मेरी जो एग्जिस्टिंग कुर्ती थी उससे कुछ डिफरेंट लुक देने के लिए मैंने इसमें यहाँ पर यूज़ किया है ब्लैक कलर का फैब्रिक, जो कि मैंने अलग से लिया था, एंड उसकी मैंने यहाँ पर ये पाइपिंग बनाकर इस तरह से अटैच की है, एंड इसी ब्लैक फैब्रिक से मैंने यहाँ पर फ्रिल बनाकर नीचे अटैच की है। तो ये मैंने प्लीटेड वाली फ्रिल्स बनाई हैं, एंड ऑल ओवर जैकेट के बॉटम में मैंने इसको इस तरह से स्टिच कर दिया है। तो इसका लुक काफ़ी मेरी जो कुर्ती थी उससे बिल्कुल ही डिफरेंट तैयार हुआ। तो इस तरह से भी आप इजीली अपनी पुरानी कुर्तियों को रीयूज़ करके अपनी शॉर्ट जैकेट्स तैयार कर सकती हैं। एंड लाइनिंग जो मैंने इसमें यूज़ की है वो वही यूज़ की है जो कि मेरी कुर्ती में ऑलरेडी गिवन थी।
इसको मैंने किस तरह से क्रिएट किया है इसका स्टिचिंग वीडियो मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो जैकेट है मेरी उसको मैंने तैयार किया है अपने पुराने दुपट्टे से, तो इस दुपट्टे का हाफ पार्ट मैंने यूज़ किया था अपनी कुर्ती की डिज़ाइनिंग के लिए, इस वाले वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था, एंड हाफ पार्ट मेरे पास बचा हुआ था तो मैंने उससे क्रिएट की है ये शॉर्ट जैकेट। नेकलाइन मैंने इसकी रखी है राउंड, फ्रंट एंड बैक दोनों, बैक साइड से थोड़ी शॉर्ट है एंड आगे से थोड़ी सी बड़ी है। इसको भी मैंने कट स्लीव्स में ही बनाया है क्योंकि मेरे पास इतना फैब्रिक नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी मैं इसका हाफ पार्ट यूज कर चुकी थी अपनी कुर्ती की डिजाइनिंग के लिए एंड हाफ पार्ट ही मेरे पास बचा हुआ था। फ्रंट से मैंने इसमें इस तरह का एक होल बनाया है, तो आप जो भी कुर्ती या टॉप इसके नीचे वियर करेंगे वो कम्प्लीटली विजिबल होगा। तो मैंने इसमें इसीलिए कोई लाइनिंग भी यूज़ नहीं की है, इसको मैंने कम्प्लीटली सी थ्रू रखा है। एंड ऐसा ही एक सर्कल मैंने बैक साइड पर भी क्रिएट किया है एंड इसको मैंने इस तरह से स्ट्रिप्स लगा के डिज़ाइन कर दिया है। बॉटम में मैंने इसको कुछ पैपलम स्टाइल में तैयार किया है, तो मैंने यहाँ पर फ्रिल्स बनाकर फैब्रिक अटैच किया है एंड फ्रंट से इसको कुछ इस टाइप का लुक दिया है, हाई लो वाला। तो इस तरह से एक पैपलम स्टाइल की मेरी शॉर्ट जैकेट तैयार हो गई है। इसके लिए भी आपको 1 मीटर फैब्रिक सफिशिएंट होगा अगर आप फैब्रिक से इसको क्रिएट करना चाहें तो। नेक्स्ट जो मेरी जैकेट है इसको मैंने तैयार किया है अपनी एक साड़ी से, इसका स्टिचिंग वीडियो मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस साड़ी से मैंने एक कुर्ती एंड एक शॉर्ट जैकेट दोनों ही तैयार की थी। तो मेरे पास जो ये साड़ी थी उसमें इस तरह के बोल्ड प्रिंट दिए हुए थे फ्लावर के, तो मैंने इसको जब कट किया तो इस तरह से कट किया कि मेरा ये एक प्रिंट इधर वाले पार्ट पर आ जाए एंड एक इधर वाले पार्ट पर आ जाए, एंड एक इस तरह का प्रिंट मैंने यूज़ किया है जैकेट के बैक साइड पर। तो जब भी आप इस तरह के किसी फैब्रिक की कटिंग करें तो आपको कटिंग अलग अलग करनी पड़ती है एंड इस तरह से उसको प्लेस करना पड़ता है कटिंग के टाइम कि वो एग्जैक्ट हमारा सेंटर में आए। मैंने इसकी नेकलाइन पीछे से रखी है राउंड एंड फ्रंट से भी काफ़ी शॉर्ट नेकलाइन मैंने बनाई है, इस तरह से इसको राउंड में कट किया है, देन उसके बाद इसको स्ट्रेट कट कर दिया है। मैंने इसकी रखी है 3/4, क्योंकि मैंने इसको साड़ी के फैब्रिक से क्रिएट किया था तो ईजिली मैं इसकी फुल स्लीव्स तक भी क्रिएट कर सकती थी। तो इस तरह से मैंने एक अपनी कुर्ती के साथ ये शॉर्ट जैकेट तैयार की है। लाइनिंग मैंने इसमें यूज़ की है कॉटन की, यही थी मेरी कुछ शॉर्ट जैकेट्स जिनको कि मैंने क्रिएट किया है अपने पुराने कपड़ों को रीयूज़ करके। आई होप डिज़ाइंस आपको पसंद आए हो एंड वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए आइडियाज़ के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।